जानते हैं 30 साल देकर घर पूरा सर्च कर लिए, कुछ नहीं मिला। नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं, मैं हूं परमवीर सिंह। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर बेगूसराय से निकलकर सामने आ रही है। बेगूसराय गोलीकांड का जो आरोपी था नागा, जिसे आज ही पुलिस ने गिरफ्तार किया है झाझा रेलवे स्टेशन से, उस आरोपी की जो मां है वो बीजेपी के नेताओं के पास पहुंची है। आरोपी नागा की माँ बीजेपी के सांसद राकेश सिन्हा के पास पहुँची है और गुहार लगा रही है। उनका कहना है कि उनका बेटा निर्दोष है, उसे फंसाया जा रहा है। अब देखिए कि नागा की मां क्या कुछ बता रही हैं। की गई आपके बेटे की गिरफ्तारी जो हुई है, कितना क्या सही है क्या? नहीं सर, जो गोली जो चलाया आए हैं, जहां से कांड हुआ है, उस वक्त मेरा बेटा सीसी कैमरा में घर पर है, ठीक। दो लड़का है मेरा, दोनों है सीसी कैमरा में है। वहाँ से फिर चार बजे कुणाल होटल पर हैं। कुणाल होटल पर वहाँ पे भी बैठे हैं, वहाँ भी सब चीज़ें प्रूव, जान बूझ कर मेरा बच्चा को फंसाया गया है। कौन कौन गिरफ्तार किए गए हैं, कहाँ से वो गिरफ्तार? एक लड़का को किशन को घर से किए हैं 5 बजे सुबह में, एक लड़का 150 भाग गए हैं तो झाझाम किए हैं। क्या लगता है गिरफ्तारी को लेके क्या कहना चाह रहे पुलिस? हम यही जानना चाहते हैं, अगर मेरा बेटा दोषी है तो आप लोग को जो हो रहा है उसको जो करना है सो आप लोग करिए, अगर दोषी नहीं है तो आप लोग उसको छोड़िए, और क्या कहेंगे। घटना के वक्त कहाँ था आपका? सीसी कैमरा में है, कुणाल होटल पर है। कितना बजे तक? 5:35 में है। 4 बजे वाला? 4 बजे घर पर हैं, और घर पर जो कैमरा है वो कैमरा वाला बुटेस है, वो खोल कर लेकर प्रशासन चले गए। हम उसको बोल रहे हैं कि कैमरा आप यहाँ चेक करिए, बोले नहीं चेक करेंगे। वो खोल बोले कैमरा लगा के रखे हैं, कैमरा खोल लिए, कैमरा देखने भी नहीं दिए हैं। जितना दरोगा है, SP है, ये सब साथ में सब मिलकर रच रच कर मेरा बेटा को फंसाया है। अभी आप कहाँ पहुँचे हैं, किनसे गुहार लगाने? हम पहुँचे हैं संतान महीन को, नाम भूल जाते हैं सर, राकेश सिन्हा का। क्या गुहार लगाने हैं? यही गुहार लगाने आए हैं कि अगर सर मेरा बेटा होगा तो आप उसको जो करना है आप करिए, सजाए दिए या फांसी दीजिए, अगर नहीं बे मेरा बेटा है तो उसको रिहाई करिए। लेकिन पुलिस का दावा है कि इसने गोलीकांड में संलिप्त है और इसका फुटेज आया, क्या सही है क्या गलत है? काला शर्ट पहनने हैं, वो बोल रहे हैं कि वीडियो में कि उजला शर्ट पहनने हैं। मेरा लड़का सुबह से काला शर्ट पहने, मेरा घर पर कैमरा लगा हुआ है, मेरा दुकान पर है, आप सर्च करिए। अगर उड़ा देंगे दरोगा तब उसको तो नहीं हम देंगे, लेकिन कुणाल होटल वाला हम आपको देंगे 5:35 का। और दरोगा SPG भी कुल रच रच कर किए हैं, जान कर उसको फरारी हो गए हैं, निर्दोष कर फंसा कर जान बूझ कर फंसा रहा है। दोनों को कहाँ कहाँ से गिरफ्तार किया है? एक को घर से किया है 5 बजे भोर में, किशन का, आ एक नागा है कि उसको नाम केशव उर्फ नागा है, उसको किए हैं झाझा से। आपके भाई को क्या क्या कहना चाह रहे हैं, किसको किसको गिरफ्तारी हुई है? गिरफ्तारी मेरे दो भाई का हुआ है, किशन और केशव का, और गिरफ्तारी का कोई बेसिस नहीं है। मेरे पास वीडियो है कि वो उस टाइम पे होटल पे बैठा है और घर पे है, तो अगर वो इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है तो फालतू में आप उसे ह्यूमिलिएट मत कीजिए, क्योंकि वो बच्चा है, अभी नाबालिग है, उसका भी एक राइट है और हर किसी का फंडामेंटल राइट है कि वो अपने अच्छे तरीके से डिग्निटी के साथ वो अपनी लाइफ को जिए, लेकिन उसको ऐसा नहीं करने दिया जा रहा है। वो 12-13 साल का जब था, पिछले 3 सालों से प्रशासन हमें परेशान कर रही है, जब मन तब घर पर आ रही है और बेइज्जती के साथ हम लोगों के साथ वो व्यवहार कर रही है, गाली दे रही है, कुछ भी बोले जा रही है। और अगर इन रिटर्न मैंने बोला कि आप गाली मत दीजिए, रिस्पेक्टफुली हम आपको जो भी चाहिए कोऑपरेट कर रहे हैं आप कीजिए, तो इन रिटर्न वो बोला कि जो किया बोलना गया है वो तुम करो, बकवास मत करो। तो ये सारे तरीके हैं प्रशासन के, अगर ऐसे तरीके से प्रशासन ट्रीट करती है तो हमारे वेलफेयर के लिए और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए तो बिल्कुल नहीं है अवेलेबल, वो बस इसलिए अवेलेबल है कि हमें डरा सके और धमका सके। तो ये तो गुंडा राज का वही है, सबसे बड़ा हथियार तो पुलिस ही है। गोलीकांड में इसको कह रहा है दोनों को गिरफ्तार किया, जो जिसका नाम बताया जा रहा है केशव उर्फ नागा को, क्या इसको सही मानते पुलिस को क्या कहना चाह रहे हैं, क्या ये निर्दोष? नहीं, आप पूरे फेयर तरीके से जांच कीजिए, अगर वो दोषी है तो जो उसकी कार्रवाई है वो आप प्रॉपर कीजिए, लेकिन अगर वो दोषी नहीं है तो उसके बदले जो भी प्रोसेस है उसके लिए आप भी प्रिपेयर रहिए, क्योंकि हमारे राइट का हनन हो रहा है और इसके अगेंस्ट हम कार्रवाई करेंगे।
तो आपने देखा कि नागा की मां ने किस तरह से बताया कि उसके बेटे को फंसाया जा रहा है, और इसी बात को लेकर वो बीजेपी के नेताओं के पास पहुंची थी। राकेश सिन्हा से उन्होंने गुहार लगाई है कि उनके बेटे को जानबूझकर फंसाया जा रहा है। इसके अलावा उसकी मां ने बेगूसराय के एसपी पर भी बड़ा आरोप लगाया कि बेगूसराय के एसपी गाली गलौज कर रहे थे। तो यह बड़ी खबर है कि आखिर नागा को सचमुच में बिहार पुलिस फंसा रही है, या फिर नागा को बचाने के लिए उसकी मां जो कह रही है सारी बातें वो सब झूठ है। अब ये तो जांच का विषय है, जांच होने के बाद सब कुछ सामने आ जाएगा। ऐसे बेगूसराय के एसपी 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मामले का खुलासा करने वाले हैं, तो 2:30 बजे का भी इंतज़ार है कि बेगूसराय के एसपी इस मामले को लेकर क्या कुछ खुलासा करते हैं। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत कर ले। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।